क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि अगर इफ एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक। तो अगर इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो अभी तक तो तुम लोग देख रहे थे कि x की दो वैल्यू आ रही थी, है ना। तो दो वैल्यू यहां भी है, हमने प्लस माइनस करके लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ x1 इज इक्वल टू यहाँ पे है माइनस बी, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x2 है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो एक एक्स की वैल्यू ये हुई और एक एक्स की वैल्यू ये हुई, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं कि क्या आया, कैसे ये आ गया, ये दोनों में कैसे आया ये, ठीक है। तो चलो हम प्रूफ करते हैं इसको। देखो प्रूफ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स इसको प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं ए से, डिवाइड बोथ साइड बाय ए, ठीक है। ए से जब डिवाइड करेंगे तो ये देखो यहां डिवाइड करेंगे ए से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स, और यहां हो जाएगा सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। तो देखो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो मिल गया, हम इसको लिख सकते हैं आराम से एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखो हमें टू चाहिए, हम क्या करेंगे, टू यहाँ वो कर देंगे, लिख लेंगे एक्स हमारा ये हो गया 2ab, ठीक है, 2a हो गया हमारा। और बी हम क्या लें, ठीक है, बी हम क्या लें वो हमें डिसाइड करना है, ठीक है, बी हम क्या लेंगे वो हमें डिसाइड करना है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, हमें बी चाहिए तो हमारे पास देखो ये टू आ गया है ना, और यहाँ पे बी बाई ए एक्स है, तो हमारे पास एक्स आ गया, ये टू एक्स्ट्रा आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बी अपॉन 2a कर देंगे, बी अपॉन 2a। तो यहां हमें चाहिए बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए, ये तो पहले से था, ठीक है। अब इतना देखो, इतना हमारा बन गया क्या, देखो यहां अगर बी अपॉन टू, सुनो सुनो, बी अपॉन 2a स्क्वायर हमने ऐड किया है तो यहां माइनस भी करना पड़ेगा एक, बी अपॉन 2a का स्क्वायर, बिकॉज जितना प्लस किए हैं हम एक्स्ट्रा उतना माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये सेम आएगा इक्वेशन, है ना, तभी तो इक्वेशन सेम आएगी। ये देखो इतना हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपॉन 2a
का स्क्वायर, ठीक है, और बाकी ये प्लस कर देते हैं हम, सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, ये प्लस हमने कर दिया, इक्वल टू 0, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन 2 ए का स्क्वायर, इसको ना माइनस कॉमन ले लो बाहर, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा क्या क्या बचा था, एक्स प्लस बी अपॉन 2 ए का स्क्वायर था, माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको पहले तो ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये देखो 4 ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ये ऐड किया तो ठीक है होगा, 4 ए स्क्वायर होगा है ना, तो ये 4 ए स्क्वायर हो गया तो बी स्क्वायर, ये देखो 4 ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। हाँ एलसीएम लिया है, 4 ए स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया इन दोनों का है ना। हाँ तो देखो, हाँ अब देखो इसको राइट साइड ले जाते हैं, इसको उठा के राइट साइड ले जाओ, तो देखो ये हो गया एक्स अपॉन बी अपॉन 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, रूट लेंगे, देखो यहाँ रूट है ना, अरे यहाँ स्क्वायर है, रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। देखो बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2 ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, देखो ये होगा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 4 ए स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्लस माइनस क्यों हुआ है ना, क्वेश्चन आ रहा है किसी के दिमाग में तो पूछ लो, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ये प्लस माइनस क्यों हुआ, या कोई बता सकता है, किसी को पता है, बोलो सर बताओ। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही छोटी सी चीज है और सबको समझ में आ जाएगी। देखो अगर हम कहें 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो क्या कहोगे, 16। 4 का स्क्वायर रूट पूछ रहा हूँ ना कि स्क्वायर पूछ रहा हूँ, रूट 4 क्या होता है, अंकित बोलो, रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है, अरे 2 का स्क्वायर रूट 4 होगा, होगा ना, यस सर। और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 सर 4, जब दोनों का 4 है, ठीक है, जब हम 4 का रूट लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइनस वाले का स्क्वायर था कि प्लस वाले का स्क्वायर था, इसलिए हम इसको लिखते हैं प्लस माइनस 2, ठीक है।
इसको हम प्लस माइनस टू लिखेंगे, ना कि सिर्फ टू लिख के छोड़ देंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, इसीलिए यहाँ पे जब रूट लिया हमने तो इसको प्लस माइनस किया हुआ है। अब देखो एक्स इज इक्वल टू जो है, देखो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए आ गया इक्वल टू प्लस माइनस, देखो ये फोर ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वन अपॉन टू ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए हो जाएगा क्योंकि रूट से बाहर आ गया। ठीक है चलो भाई नेक्स्ट। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा था एक्स प्लस बी अपॉन टू ए है ना प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए आया था। अब दोनों को इक्वल टू था बीच में, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, दोनों को ऐड कर दिया है ना। आ गया समझ में, प्रूफ हो गया ना। यहां से एक्स वन लिख लेंगे माइनस बी अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यहां से एक्स टू लिख देंगे माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है अपॉन टू ए। ठीक है समझ में आ गया? यस सर। हाँ इसका प्रूफ ये हो गया। अब देखो इसमें दो तीन केसेस हैं, क्या दो तीन केसेस इसमें क्या है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू हमारा आया था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आया था। अगर हम इसको देखें तो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस बी, ये तो प्लस माइनस, इसको काम करो टू ए कर दो और इनटू में कर दो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर तुम देखोगे ना कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन आएगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है देखो हमारे पास x1 और x2 है, x1 और x2 हमारे पास दो x के वैल्यू है, ठीक है तो थ्री केसेस पॉसिबल है, यहाँ से थ्री केसेस पॉसिबल, थ्री केसेस आर पॉसिबल। क्या बताना है फर्स्ट में ये जो अभी बता रहे हैं वो देख लो फिर आगे बताता हूँ मैं, है ना, जो डाउट होगा पूछ लेना है। यहां से थ्री केसेस पॉसिबल है, आइदर एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन एंड एक्स टू डिफरेंट हो, ठीक है टू डिफरेंट सॉल्यूशंस हो, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस और रूट्स कह रहे हैं इनको, रूट्स भी जुड़े जाते हैं रूट्स हो, ठीक है तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी बी स्क्वायर ठीक है इज ग्रेटर देन फोर ए सी होगा, ये कंडीशन याद रखेंगे। अगर टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है या टू डिफरेंट सॉल्यूशन है और टू डिफरेंट रूट्स हैं तो बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर ए सी,
ठीक है। उसी तरह इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया, देन x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से टू सेम सॉल्यूशन मिलेंगे, टू सेम रूट्स मिलेंगे हमें, टू सेम रूट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड इफ थर्ड केस ये है, ये सेकंड केस था, ये थर्ड केस है। थर्ड केस ये है, इफ बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac तो हम ये कहेंगे कि इसके नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस होंगे इसके, या ऐसा कह सकते हैं और इमेजिनरी सॉल्यूशंस। इमेजिनरी रूट्स कह लो, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन।